हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जो नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक क्लास दे रखा है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने उस क्लास में 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर में, और अब हम ले रहे हैं 8 क्वेश्चन, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है अब इसको हम सॉल्व करेंगे। और ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली क्या है कि नीट में आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में, ज्यादातर क्वेश्चन आपको फॉर्मूले बेस्ड ही मिलेंगे, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली दी क्वेश्चन आपसे फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं जो सिंपली आपसे सॉल्व हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो उन्होंने ये कहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस हमको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ओके, कंडक्टर है, ओके, हैज अ चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁷ कूलम। इसको हमने जो चार्ज दिया है प्लस क्यू, और आपको पता है कंडक्टर को जब भी चार्ज दोगे तो वो चार्ज जो होता है उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और वो चार्ज की वैल्यू कितनी है, 3.2 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, आप गिवन करके भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ना है यूनिफॉर्मली, ओके जी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यहां पर अंडरलाइन करिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। और वो क्या बोल रहा है कि एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर, यानी कि इससे 15 सेंटीमीटर, यहां पर एक पॉइंट है, एक लोकेशन है आर, यहां पर 15 सेंटीमीटर पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द स्पेस। ठीक है भाई, तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन जाना कुछ इसमें सोचना आपको नहीं है, आपको फॉर्मुला याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस सिंपली। चलो तो अप्लाई कर देते हैं, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ कॉन्स्टेंट है ना भाई, और क्यू कितना दिया है अपन को, क्यू दिया है 3 × 3.2 × 10⁻⁷, और अपन आर स्क्वायर, आर 15 सेंटीमीटर, 15 × 15 10⁻⁴ कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है भाई, अब आप इसको कैंसिल कर दो, ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, ये 5 बार में चला जाएगा, 5 × 3 = 15, ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब अपन एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर इसको सिंपलीफाई अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो एक काम करता हूँ, ये वाले जो नंबर्स है इसको मैं बना लेता हूँ 50, इसको भी मैं क्या बना लेता हूँ 50। आपने जुगाड़ करके इसको 50-50 तो बना लिया, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से, क्योंकि आपने इसको एक जीरो दिया और इसको भी एक जीरो दिया, तो आपने 100 से ऊपर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब 100 का डिवाइड 100 का मल्टीप्लाई, बस इजी करने के लिए यार, कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपलीफाई करने के लिए होता है। ओके चलो, अब देखो अगर ये 100 है और ये 50 है, ठीक है, तो 50 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 2 बार में चला जाएगा, सही है कि नहीं? चलो ये 2 बार में चला गया। अब अगर हम और देखें जरा ध्यान से, ये 50 है, अगर देखो ये 10⁻⁹ कितना है, 9 है, अगर 10⁻⁹ से अगर मैं 100 बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा, आपको पता है, आपको बच जाएगा 7 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, 10⁻⁷ बच जाएगा। अगर ये 10⁻⁷ बच जाता है और 100 में बाहर निकाल लेता हूँ और ये 50 से मैं कैंसिल करता हूँ तो ये 2 बार चला जाएगा भाई, कितनी बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, और 10⁻⁷ से 10⁻⁷ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा, ये 2 है आपने पास और ये 2 है, तो यानी कि 4 हो गया, और मल्टीप्लाई में कितना है, 3.2 है, और 10⁻⁴ कितना है, -4 है, तो ये ऊपर जाकर कितना हो गया, 10⁻⁴ हो गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया। ठीक है, तो 10⁻⁴ कितना हो गया, 4 हो गया। अब आंसर किसमें आ रहा है, तो एक काम कर लो, इसको मैं लिख लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ 1.2, मतलब 10 का डिवाइड कर लिया और 10 से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज आवर आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी आपको जिस तरीके से भी आपको सॉल्व करना आता हो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली मैंने करने के लिए ऐसे 100 का मल्टीप्लाई करके इस तरीके से करा लिया। ठीक है, तो इससे संबंधित एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका कंसेप्ट क्या है कि जब भी कोई स्फेरिकल खोखला कंडक्टर है, होलो कंडक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी सेंटर से पी डिस्टेंस पर जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है, इतना होता है। अगर हम सरफेस पर बात करें तो सरफेस पर इस आर के स्थान पर कैपिटल आर स्क्वायर आ जाता है, कितना आ जाता है आर। और एक बात याद रखना कि इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है, कैसा होता है बच्चों, मैक्सिमम, लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, कितना हो जाता है, जीरो। अगर आपने इसका ग्राफ स्टडी किया होगा तो आपको इसका पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, इसका ग्राफ किस तरह का होता है, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैक्सिमम होता है बच्चों, और यहां पर 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो ऐसे डिक्रीज हो जाता है, और जहां पर मैक्सिमम सडनली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर आपके पास हॉलो कंडक्टर है,
ठीक है, या हॉलो स्फीयर है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कुछ नहीं था, केवल फॉर्मूला लगाकर हमको कैलकुलेशन करनी थी। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इनका ये कहना है कि इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, ठीक है, अब विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाउंड किया एक स्पेस में जिसका वॉल्यूम इतना था और उसमें कितना था 5 वोल्ट थ्रू आउट, मतलब हर जगह कितना है 5 वोल्ट है, ये चीज नोट करनी है आपको यहां पर, ठीक है, हर जगह पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट। अब आप सोचिए जैसे यहां पर ए लोकेशन है, यहां पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और ये लोकेशन बी है और यहां पर भी लोकेशन 5 वोल्ट है, तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका जीरो होगा, कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, इस रीजन में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है। अब आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए, क्या होता है dv / dt, और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही 0 हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो बस यही चीज यहां पर देखने वाली थी, नोट करने वाली थी, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इसको देखकर आपको ये फॉर्मूला तुरंत ही याद आ जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ये भी 2020 में पूछा गया था। आप देखोगे कि 2020 में कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे नीट में, आपको ऐसा लगेगा मतलब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मूवमेंट। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर दी है, किसकी बात कर दी है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की है यहां पर, और उसका डाइपोल मूवमेंट उन्होंने दिया है इतना, ठीक है भाई। देखो सपोज ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ओके जी, और ये नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी कि डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर, ओके जी, हमको डाइपोल मूवमेंट दिया है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, अब इससे 0.6 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पर सेंटर है, तो सेंटर से कोई पॉइंट है P जो कि 60 डिग्री के एंगल पर है, और वो कितना डिस्टेंस पर है, 0.6 मीटर की डिस्टेंस पर है, यहां पर सिचुएटेड है लाइन पर, तो विद द डाइपोल एक्सिस इज, ओके जी, तो यहां पर हमको निकालना है, इसका क्या निकालना है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। तो फॉर्मूला आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, बी इक्वल टू, ठीक है, ये वाली सिचुएशन में कि एनी सिचुएशन कहीं पर भी पॉइंट आपको गिवन हो, तो उस केस में शॉर्ट डाइपोल के लिए आपका फॉर्मूला होता है 1/4πε0Pcosθ अपॉन क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल के लिए आर स्क्वायर होता है, ठीक है, बस में पुट कर दीजिए वैल्यू, आंसर आ जाएगा 9×10⁻¹, ठीक है। डाइपोल मोमेंट कितना दिया अपन को, 16×10⁻¹⁹, और cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो मैं 1/2 लिख लेता हूँ, 1/2 लिख लेता हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर अपन को दिया है 0.6×0.6 ये 10⁻¹ से ये 10⁻¹ कैंसिल ही हो गया भाई। अब ये पॉइंट हटाओगे ये दोनों, तो यहाँ पर आपको दो जीरो दिखते हुए नजर आएंगे, ठीक है, ओके जी। अब इसको कैंसिल मैंसिल कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है, अच्छा ये छः है और ये 16 है, ठीक है, तो ये 8 बार में चला गया आपका, ये आपका 3 बार में चला गया, फिर से ये 4 बार में चला गया और ये 3 बार में चला गया आपका, ओके जी, और ये 2 से ये 2 बार में चला गया, ये 3 से ये 3 बार में चला गया, ये 3 से ये 3 के अंदर, मतलब 200 आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 200 वोल्ट, ठीक है, तो 200 वोल्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कहाँ दिया है ये, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था, बस आपका इसमें टेस्ट क्या था कि आपको ये फॉर्मूला याद है कि नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, एकदम एक लिस्ट बना लो, फॉर्मूला लिस्ट, इसमें हर एक फॉर्मूला आपके पास लिखा होना चाहिए। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं सारे फॉर्मुलों की लिस्ट आपको दूंगा, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनसे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, ये भी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं वो हमसे, द एक्सीलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर
1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज, ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है चार्ज, ये एक्सीलरेशन हमको निकालना है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकालना कौन सी बड़ी बात है इलेक्ट्रॉन का, तो एक्सीलरेशन का हमको फॉर्मूला पता है, तो फोर्स अपॉन मास ऑफ एक्सीलरेशन, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इसका फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, 1/4πε0q1q2r2, ठीक। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम ही रहता है, तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेता हूँ, 9×10⁻¹, 1.6×1.6, मैंने दो बार लिख लिया, और 10^-19 यानी कि मैं लिख लेता हूँ, दो बार लिखना है 38 लिख लेता हूँ, ठीक है। अपॉन मास आपको दिया ही है इलेक्ट्रॉन का 9×10⁻³, अपने मन से मत लिखना, 9 दिया तो 9 लिखेंगे, ठीक है, ओके। और नीचे क्या आता है, आर स्क्वायर आता है, और आर कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू एंगस्ट्रॉन्ग में है, तो एक एंगस्ट्रॉन 10^-10 होता है, तो आपका स्क्वायर है, तो 10^ कितना हो जाएगा, -20, समझ गए ना इतनी बात को, ठीक। ये आर स्क्वायर लिखा है मैंने इसका, ओके। देखो तो ये सिंपली कैंसिल हो गया अपना, 9 से 9 कैंसिल हो गया, इस कितना है 10^9, ठीक है, और ये आपका कितना हो गया नीचे, ये 31 है और ये 20 है, तो ये 10^ कितना हो गया, 51 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 10^-31, तो ये ले लिया मैंने 38, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ गया आपका 10^13 आ गया, और ये कितना हो गया 10^22, और एक्सीलरेशन निकाला है तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं था, बस आपको एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और कूलम फोर्स आपको पता होना चाहिए, बस सिंपली हो गया, कुछ नहीं था, ठीक है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए 2020 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आज ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ रेडियली डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक, आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक स्फीयर है, ठीक है भाई, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और इससे आर डिस्टेंस पर सपोज एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, थिन सेल ऑफ रेडियस आर, ये थिन सेल है आपके पास, ठीक है, और जिसका रेडियस कितना है आर है, इज गिवन बाय दी ग्राफ, तो ये आपको ग्राफ दिए गए हैं। अच्छा देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह के हमने जब थ्योरी में हमने पढ़ा था तो आपको पता ही होगा कि अगर आपको एक स्फीयर दिया है, थिन स्फीयर दिया है या शेल दिया हुआ है, उससे आर डिस्टेंस पर, ठीक है, आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसका पोटेंशियल और आर के बीच में क्या ग्राफ होगा, तो आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है भाई, तो देखो ये आउटसाइड और ये सरफेस कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। हम बात करें थे इसके इनसाइड, तो इनसाइड जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा, जी। तो अब इसका जो हमने ग्राफ बनाया था वो ग्राफ किस तरह से बना था आपको पता होगा, ध्यान होगा, देखो ये आपकी सरफेस आ गई, यानी कि आर रेडियस पर हम पहुंच गए, तो ये आपकी सरफेस आ गई, तो यहां पर तो पोटेंशियल जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये कर्व जाएगा, इसके बाद यहां पर आकर पोटेंशियल क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इस तरह से बी वर्सेस आर ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, तो ये वाला ग्राफ है, और ये ग्राफ आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये हो नहीं सकता, तो इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ग्राफ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2020 में कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से क्वेश्चन पूछे गए यहाँ तक, ठीक है, और वो भी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल प्लेन एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल हैविंग डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर इज गिवन बाय, ठीक है, वो भी शॉर्ट के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको पता ही है जैसे कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ओके। इक्विटोरियल पोजीशन का मतलब यहाँ पर इस डाइपोल से परपेंडिकुलर यहाँ पर पॉइंट P है, ठीक है, तो आप अगर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है, नेगेटिव कारण ऐसे आता है, इसका पैरोग्राम बनाओगे तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। अब आप देख रहे हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो
ये जो आपका डाइपोल है इसके एक्सिस के कैसे ये पैरेलल है, लेकिन लेकिन यहां पर जो पी वेक्टर है ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट, इस डाइपोल मूवमेंट की कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिक आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन शॉर्ट के लिए, शॉर्ट के लिए बात कर रहे हैं ना, कितना होता है आर क्यू होता है, लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म में बताना है तो यहाँ वेक्टर लगाएंगे, लेकिन देख रहे हैं कि एंटी पैरेलल है, डाइपोल मोमेंट इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा बस। तो ये वाली मिस्टेक ना करें इसको देखकर, ये आपका आंसर होगा ना कि ये वाला, ठीक है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो ये कह रहा है कि अ हॉलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये आपके पास एक हॉलो मेटालिक स्फीयर है जिसको हम चार्ज देंगे तो चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इतनी बात आपको पता है। इसका रेडियस उन्होंने आर दिया है, अगर पॉइंट बाहर है तो ये आर होता है, ये पता ही होगा आपको। तो कितनी सिचुएशन होती है, जब आउटसाइड होती है तो आर बड़ा होता है कैपिटल आर से, इस सिचुएशन पे आर इक्वल टू कैपिटल आर होता है, और जब पॉइंट अंदर आ जाए तो आर छोटा होता है कैपिटल आर से। ये थोड़ा सा मैंने आपको आई का आइडिया दे दिया। इधर देखो, अ हॉलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है डिस्टेंस आर पर फ्रॉम द सेंटर। अब आपके ये ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस एज आर इंक्रीज, आर के इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, लेकिन 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 उसने क्या कहा कि आर लेस देन कैपिटल आर। अब आर लेस देन कैपिटल आर कहां होता है, ये तो गोले के अंदर होता है, स्फीयर के अंदर होता है, स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ये सरासर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, जीरो एज स्मॉल आर इंक्रीजेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, ध्यान सुनिए, जीरो एज स्मॉल आर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फॉर आर कैपिटल। देखो ये वाले केस में क्या होगा, ये वाले केस में स्फीयर के अंदर, तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहां पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, ओके। अब आगे बोल रहे हैं कि डिक्रीजेस एज आर, डिक्रीजेस एज आर मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया, डिक्रीज किया, जब आर क्या हुआ, इंक्रीज, तो आगे क्या बोला है, आर लेस सॉरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो जब सरफेस पे आओगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे बाहर जाओगे तो आर के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो ये वाला ऑप्शन हमको ठीक लग रहा है, अब बाकी सबको पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्लियर हो गया। तो थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है, और कुछ भी नहीं था जी, कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2019 में नीट में, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ दिस ऑप्शन। देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल एक तरह का हीलियम न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, इसी को हम क्या कहते हैं, डबली आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड हीलियम एटम कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपका एटम है, हीलियम एटम है, जिसके अंदर दो प्रोटॉन होते हैं और दो ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके ऑर्बिट में यहां पर इलेक्ट्रॉन, और ये देखो दो प्रोटॉन तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से। अब इसका हमको क्या करना होता, आयोनाइज करना होता, तो बाहर से हमने इसको एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसको भी एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गया, तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा, डबली आयोनाइज हो जाएगा, तो हमको अंदर क्या मिलेगा, प्रोटॉन दो और न्यूट्रॉन भी कितने मिलेंगे, तो इसी चीज का नाम हमने रख दिया अल्फा पार्टिकल रख दिया। इसके सिंबल की बात किया तो इसका सिंबल होता है 2He4, दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो अब आप देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, और थोड़ा सा जानकारी के लिए मैंने आपको बता दी, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, फिर भी गलती हो जाती है, क्यों हो जाती है वो बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। टू पैरेलल इन्फिनिट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। देखो दो लाइन चार्जेस हैं, एक पर लीनियर डेंसिटी प्लस का लैम्डा कूलम पर मीटर है और एक पर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है, और दोनों के बीच का सेपरेशन हमको दे रखा है उन्होंने 2R, ठीक है भाई, फ्री स्पेस में है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालनी है सेंटर में, निकालनी है यहां पर
सपोज ये पॉइंट पी है, ओके जी, सेंटर में निकालनी है द लाइन, ये आपके ऑप्शन थे। कई लोग क्या करते हैं इसको जीरो ठोक जाते हैं, क्यों जीरो ठोक जाते हैं, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो आंसर कितना आ जाएगा जीरो, बट जीरो नहीं होगा। ठीक है, आपको पता होगा एक चीज कि लाइन चाहे कारण, पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाइन चाहे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है कि नहीं होता, हाँ सर होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, दिस वे, यानी कि इधर की तरफ, ये पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से कहा जाती है नेगेटिव, ओके जी, और इसके कारण क्या होगी, इधर ही की तरफ होगी, तो यानी कि दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, एक ही डायरेक्शन होगा, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा सी। ठीक है, तो जीरो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा, क्लियर है। ठीक, तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने 2020 और 2019 के बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई किए, अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर देना, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उसको भी जरूर कमेंट करके मेरे को बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।